इस दुनिया में एक ऐसा भूतिया घर भी है जिसकी दीवारों से आवाजें आती हैं और ये आवाजें उस घर में रहने वाले सदस्य को अपने ही घर वालों को मारने के लिए मजबूर कर देती हैं। दुनिया के सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स वॉरेंस का नाम तो आपने सुना ही होगा। जब उन्होंने इस घर की जाँच की थी तब उन्होंने ये कहा था कि इस घर का जो केस है वो उनकी जिंदगी का सबसे ज्यादा खतरनाक केस है। अगर आप भूतिया फिल्में देखने का शौक रखते हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ एमिटीविल के बारे में। इस घर में घटी सच्ची घटनाओं पर आधारित एक नॉवल लिखा गया है और साथ ही बनी है हॉलीवुड की सबसे ज्यादा डरावनी फिल्म भी। हो सकता है ये बातें आपको पहले से मालूम हो लेकिन आपको इस घर की डार्क हिस्ट्री के बारे में नहीं पता होगा। तो हो जाओ तैयार क्योंकि हम चलने वाले हैं एक भूतिया घर एमिटीविले की सैर पर और यहाँ पर हम जानेंगे इस घर की डार्क हिस्ट्री के बारे में, इस घर में घटी सच्ची भूतिया घटनाओं के बारे में आज के फाड़ू वीडियो में। लुट्स परिवार जहां पर जॉर्ज और कैथी के साथ उनके बच्चे थे। जॉर्ज और कैथी लुट्स एक घर की तलाश कर रहे थे तभी उनको एक बहुत बड़ा सा घर काफी सस्ते दामों में मिला जो घर था एमिटीविले। अच्छा उनको इस घर की हिस्ट्री मालूम थी क्योंकि ये घर उनको इतने सस्ते में मिल रहा था इस लालच में उन्होंने इस घर को खरीद लिया। जॉर्ज और कैथी को तो इस घर के इतिहास के बारे में मालूम था लेकिन हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को ना मालूम हो तो मैं जरा शॉर्ट में बता देता हूँ। इनके घर खरीदने से ठीक एक साल पहले 23 साल का रोनाल्ड जो इस घर में रहता था उसने अपने घर के 6 मेंबर्स को ऊपर पहुंचा दिया था। अच्छा ऐसा नहीं है कि उसे अपने घर वालों से कोई खास दुश्मनी थी। जब पुलिस ने उसे पकड़ा और पूछा कि भाई तुमने ऐसा कांड क्यों किया है तब उसे खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ये क्यों कर दिया क्योंकि वो तो अपने परिवार के साथ खुश था। हाँ लेकिन उसने एक स्टेटमेंट जरूर दिया। उसने कहा कि इस घर की दीवारों से रात के समय उसे आवाजें आती थी, ये आवाजें उसे अपने घर वालों को मारने के लिए कहती थी। अब रोनाल्ड ने ये सारी बातें से कही थी खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कही थी या सच में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था ये तो हमें नहीं मालूम। लेकिन आप खुद सोचिए एक ऐसा घर जिसमें किसी इंसान ने अपने ही परिवार के सारे सदस्यों को ऊपर पहुंचा दिया हो, क्या आप ऐसे घर को खरीद कर वहां रहना पसंद करोगे? लेकिन जॉर्ज और कैथी ने ये हिम्मत वाला काम करके दिखाया। उन्होंने सोचा इस घर में शिफ्ट होने से पहले इस घर को पवित्र करवा लेते हैं तो उन्होंने पास के चर्च में से एक फादर को बुलाया। फादर इस घर में आए, फादर को भी इस घर की हिस्ट्री के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था और जब वो पहली मंजिल में मौजूद बेडरूम में पहुंचे उसे पवित्र करने के लिए और उन्होंने उस कमरे में पवित्र जल को छिड़कना शुरू किया तभी उन्हें एहसास हो गया कि इस कमरे में कुछ गड़बड़ जरूर है। उन्हें एक अजीब सी ठंड लगनी शुरू हुई, उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ लेकिन फिर भी फादर चूंकि श्योर नहीं थे तो उन्होंने घर वालों को डराया नहीं लेकिन उन्होंने लुट्स फैमिली को वार्न जरूर कर दिया। उन्होंने क्लियरली कह दिया कि इस कमरे को आप अपना बेडरूम मत बनाना और पॉसिबल हो तो इस कमरे को लॉक करके रखना, इसको यूज मत करना। हालांकि ये घर काफी ज्यादा बड़ा था और लुट्स फैमिली बहुत छोटी थी तो उन्होंने इस बात को आसानी से मान लिया। तो भैया कुल मिला के बात यह है कि बिग हाउस एंड स्मॉल फैमिली इज इक्वल टू पैरानॉर्मल एक्टिविटी एंड बिग हाउस प्लस बिग फैमिली इज इक्वल टू सूरज बड़जात्या मूवी। एनीवे मैं मजाक कर रहा था एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय सूरज बड़जात्या। खैर इस घर में शिफ्ट होने के बाद घर के सभी मेंबर्स को रात में डर लगने लगा। इस घर में जगह जगह पर कोल्ड स्पॉट बन गए थे। कोल्ड स्पॉट एक ऐसी जगह होती है जहां पर हर मौसम में हमेशा ठंड ही लगती रहती है। ऐसा कहते हैं कि अगर आपको कहीं पर ठंड का एहसास हो रहा है तो पॉसिबल हो सकता है कि उस जगह पर कोई आत्मा मौजूद हो। हालांकि जब से वो लोग उस घर में शिफ्ट हुए उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा। उनकी छोटी बेटी अकेले में किसी से बातें करती थी और वो जिससे बातें करती थी वो घर में किसी और सदस्य को दिखाई नहीं देता था। धीरे धीरे सबकी तबीयत खराब रहने लगी, सब लोग चिड़चिड़े हो गए और एक रात को अचानक जॉर्ज की नींद रात को 3:15 पर खुली। ये वही समय था जब रात के समय इसी घर में रोनाल्ड ने अपने घर के सभी सदस्यों को अपने ही हाथों से खत्म कर दिया था। जब जॉर्ज की आंख खुली तो उसने देखा कि बिस्तर पर उसकी बीवी की जगह कोई बूढ़ी सी औरत लेटी हुई है जो बहुत जोर जोर से हंस रही है। जॉर्ज काफी ज्यादा डर गया लेकिन तभी एक झटके से उसकी नींद खुली। उसने देखा कि वो सपना देख रहा था लेकिन ये सपना इतना ज्यादा रियलिस्टिक था कि उसने जॉर्ज के दिमाग पर एक काफी गहरा असर छोड़ दिया। उसके बाद ये घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ती चली गईं। केवल जॉर्ज ही नहीं घर का हर सदस्य काफी ज्यादा परेशान होने लगा था। हर किसी के साथ कुछ ना कुछ अजीब घटना घट रही थी और एक दिन इन लोगों ने फैसला किया इस घर को छोड़ देने का। वो लोग बिना अपना कोई सामान लिए तुरंत उस घर से निकल गए क्योंकि वो समझ गए थे कि अगर वो इस घर में
एक मिनट और भी रुके तो हो सकता है उनके साथ कोई हादसा हो जाए। तो भैया मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी भी आपको कोई बड़ा आलीशान सा मकान अगर काफी सस्ते दामों पे मिल रहा है तो उसकी हिस्ट्री के बारे में जाने बिना उस घर को खरीदने की गलती मत करना। खैर इतना सब कुछ होने के बाद जब ये लोग घर छोड़कर चले गए तो ये घटना पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। वॉरेंस जो उस समय के काफी ज्यादा फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे उन तक भी ये बात पहुंची और जब वो लोग इस घर की इन्वेस्टिगेशन करने आए तब उनके साथ भी कई घटनाएं घटी, उन्हें भी किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। लेकिन वॉरेंस भूतों से डरने वाले नहीं थे, उन्होंने इस घर की पूरी इन्वेस्टिगेशन की और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक फोटो में उन्होंने एक छोटी बच्ची के भूत को इस घर में कैप्चर किया। अभी आपके सामने स्क्रीन पर ये जो फोटो है ना, ये असली फोटो है जिसे वॉरेंस ने खींचा था और ये एमिटीविले में खींची गई थी। कहा जाता है कि ये छोटी बच्ची रोनाल्ड के परिवार का ही हिस्सा थी। उसके बाद जब वॉरेंस ने इस घर की डार्क हिस्ट्री के बारे में पता लगाया तब उन्हें मालूम चला कि साल 1924 में यहाँ पर एक कॉटेज हुआ करता था जहाँ पर जॉन नाम का एक आदमी रहता था। ये ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करता था और उसकी बॉडी यहीं पर इस जमीन के नीचे दफन है। जब वॉरेंस ने इस जगह के बारे में और ज्यादा रिसर्च किया तो पता चला इस जगह की बहुत ज्यादा डार्क हिस्ट्री है। बहुत सालों पहले यहाँ पर पागल लोगों को रखा जाता था और जब वो पागल मर जाते थे तो उन्हें यहीं पर दफना दिया जाता था। तो शायद इन्हीं सब घटनाओं की वजह से ये जगह इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई थी और इसी नेगेटिव एनर्जी के चपेट में आकर रोनाल्ड ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया था कि उसने अपने ही परिवार को खत्म कर दिया। बाद में जब लुट्स फैमिली ने इस घर को छोड़ दिया तो ये घर काफी ज्यादा फेमस हो गया। बाद में इसमें घटी घटनाओं के ऊपर बेस्ड एक नॉवेल लिखा गया और फिर उसी नॉवेल की कहानी पर बेस्ड बनाई गई एमिटीविले हॉरर नाम की मूवी, जो आई एम श्योर आप लोगों ने देख ही रखी होगी। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप उस घर के अंदर बैठे हुए हैं और उसी घर के ऊपर बनी हुई हॉरर फिल्म देख रहे हैं, मतलब सोच कर ही गूज़बम्प्स आ जाते हैं। खैर इस घर में जो भी भूतिया घटनाएं हुई थी उनके बारे में केवल कहानियां ही हैं, क्योंकि लुट्स फैमिली उन्हें किसी के सामने साबित नहीं कर पाई। हालांकि लुट्स फैमिली ने इन घटनाओं के बाद कभी भी उस घर में वापस जाने की हिम्मत ही नहीं की। लेकिन जब पुलिस ने इनका लाई डिटेक्टर टेस्ट किया तो लुट्स फैमिली का हर मेंबर इसमें पास हो गया। तो इससे तो हम यही मान सकते हैं कि ये लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, इनने जो भी बताया इनके साथ वो घटनाएं घटी होंगी। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला एक और फैक्ट जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ईयर 1979 में इसी घर में जिम और बारबरा रहने आए। वो लोग काफी लंबे समय तक इस घर में रुके, उन्होंने यहाँ पर कई सारी फोटोज भी खिंचवाई थी जो इंटरनेट पर आज भी अवेलेबल है और उनके अकॉर्डिंग इस घर में उन्हें तो कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस नहीं हुई। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही घर में एक परिवार को भूतिया घटनाओं का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरा परिवार आराम से उस घर में रहकर चला भी गया। कई साल बीतने के बाद जॉर्ज और कैथी के बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पिता काला जादू प्रैक्टिस करते थे। वो अपनी गरीबी को मिटाने के लिए बुरी आत्माओं की शक्तियों का सहारा लेना चाहते थे और शायद उनकी इन्हीं सब हरकतों की वजह से उनके परिवार को इन सब घटनाओं का सामना करना पड़ा। तो क्या इसका मतलब यह है कि उस घर की डार्क हिस्ट्री का और रोनाल्ड के साथ घटी घटनाओं का लुट्स फैमिली के साथ जो घटनाएं घटी थी कोई संबंध नहीं था? मतलब जॉर्ज खुद काला जादू प्रैक्टिस करता था, शायद इसी वजह से उनकी फैमिली को इन सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का सामना करना पड़ा। खैर मुझे भी यही लगता है कि कोई जगह खराब नहीं होती, खराब होती है हमारी खुद की एनर्जी। हम खुद ही पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। हम खुद जैसी सोच रखते हैं या जैसा काम करते हैं हमारे साथ भी वैसी ही घटनाएं घटने लगती हैं। क्योंकि अगर ये घर वाकई में इतना ज्यादा भूतिया होता तो जिम और बारबरा के साथ भी कोई ना कोई घटना तो जरूर घटती, या हो सकता है कि उनके साथ भी कोई घटना घटी हो लेकिन उस घटना का जिक्र उन्होंने कभी किसी से नहीं किया। खैर फिलहाल तो अभी रोनाल्डो जेल में है, जॉर्ज और कैथी इस दुनिया में नहीं है, उनके बच्चे काफी बड़े हो चुके हैं और आज भी इस घर के अंदर जाने कि कोई हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि भैया जब से हॉलीवुड ने इस घर के ऊपर बेस्ड एक हॉरर फिल्म बनाई है तब से लोग इस घर से 10 फीट की दूरी बनाकर ही रखते हैं। तो यार बस आज के वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो देखने में मजा आया होगा, हो सकता है थोड़े बहुत गूज बम्प्स भी आए हो, क्योंकि भैया इस कहानी को एक्सप्लेन करते समय मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। और यार पता नहीं आजकल मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही घटनाएं घट रही हैं, रोज रात को 3 बजे मेरी नींद अपने आप खुल जाती है, पता नहीं उसके पीछे क्या रीजन है। अगर तुम्हें पता हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। खैर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है क्योंकि कल रात को भी मेरी नींद खुल गई थी, तो मैं जा रहा हूँ सोने। तुम लोग अपना ध्यान रखो, टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।